ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि भगवान के सामने केक काटना उचित है या अनुचित। आज कुछ उत्साहित लोग जो होते हैं वो मंदिरों में केक काटते हैं, जन्माष्टमी के अवसर पर, रामनवमी के अवसर पर, हनुमान अष्टमी के अवसर पर, महावीर जयंती के अवसर पर। कुल मिलाकर भगवान का जन्मोत्सव लोग केक काटकर भी मनाने से गुरेज नहीं करते हैं। आज भगवान के सामने या भगवान के मंदिर में, ये मेरा अपना पर्सनल मत है और मैं शास्त्रों के हिसाब से बोलूंगा कि क्यों अनुचित है। हमारे हिसाब से केक काटना निहायत ही अनुचित है। ऐसा करना शास्त्रोक्त रूप से विगत है, शास्त्रों में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है। भगवान इससे अप्रसन्न हो सकते हैं, ये मेरा अपना पर्सनल विचार है, पर इस बात का लोग ध्यान नहीं रखते। केक काटना या दीप बुझाना अपशकुन, हमारी भारतीय संस्कृति में जन्मदिन मनाने की खुशियां दीप प्रज्वलित करने से मनाई जाती है, लेकिन जब केक काटते हैं तो हम दीप को बुझाते हैं। तो जो लोग केक काटकर जन्मदिन मनाते हैं तो मोमबत्ती को बुझाकर जन्मदिन मनाते हैं, तो ये एक अपशकुन का प्रतीक है। यही पद्धति मंदिरों में भी भगवान का जन्मोत्सव मनाने में अपनाने का कृत्य करने से लोग नहीं चूकते हैं। यह पूजा परंपराओं में विकृति कही जाएगी हमारे हिसाब से। इसलिए मेरा ये पर्सनल विचार है और हमारा ये मानना है कि भगवान के सामने केक नहीं काटना चाहिए। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।